हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच डॉक्टर सिंधु गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर। रेकी की क्लास जब करा रही थी तो कुछ बच्चों ने ये सवाल पूछा कि मैम, हम कैसे पता करें कि हमारा ऊर्जा लेवल कम है। हम क्योंकि जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, हर कोई ऊर्जा पहचान भी नहीं पाता, ऑरा को देख भी नहीं पाता और ऑरा नहीं देख पाते या जांच पाते हैं। जब जो ऑरा की क्लासेस में हम कि आप अपना ऑरा चेक करें, ऑरा चेक करना हर कोई सीख सकता है लेकिन उसको सीखने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर कर रही हूँ। एक कॉपी पेन लेके आप लोग सब लिखें कि आप इनमें से कितने पॉइंट्स पे आप राइट हैं और कितने पॉइंट्स पे गलत हैं। तो कितने राइट आपके ऊपर आ रहे हैं, यदि आपके 60-70 मतलब 6 या 7 पॉइंट आपके प्लस हैं तो इसका मतलब आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव है। और यदि आपके पास 5 नंबर या 5 से नीचे चीज़ें आप टिक कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका ऑरा डाउन है, नेगेटिव है और कमज़ोर है। तो ये है कुछ टिप्स अपने ऑरा को, अपने मेंटल लेवल को जांचने के लिए कि हमारा ऑरिक फील्ड, हमारी सोच कैसी है, क्या हमारी वाइब्रेशन, हमारी बॉडी की, माइंड की वाइब्रेशन हाई है। ये सिर्फ एक सिंपल सी टेस्टिंग, एक छोटी सी, जब मैं अमूमन क्लासेस लेती हूँ रेकी फर्स्ट लेवल की, तो जो एक जनरल सवाल आता है, क्योंकि जब भी कई बार सेशंस के बीच में या ऑरा चेक करते में पूछा जाता है कि आपको महसूस हुआ या आप फील कर पा रहे हो, या एक दूसरे का ऑरा चेक करो जो सिखाया जाता है पूरी क्लास के अंदर, पूरा डेमो करवाते हैं हम लोग, ऑनलाइन ही सारी चीज़ें होती हैं और बहुत लोग तो इसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जो लोग नहीं सीख पाते हैं उनके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज भेज रही हूँ, तो उसको आप जानें कि सबसे पहले क्या आप अपने आप से बात करते हैं, उसके अंदर आपके नेगेटिव वर्ड्स बहुत होते हैं, सेल्फ टॉक आपके नेगेटिव रहता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर आपका सारा सामान बिखरा हुआ है और आपको घर के अंदर घुसते ही आपको ऐसा लगता है कि आपका बदन गिर गया, सर में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। और जब तक आप घर के बाहर थे तो आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील कर रहे थे, आपको लग रहा था मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन घर के अंदर घुसते ही आपको लगता है कि आप निढाल हो गए। ये है आपका नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, क्या आप पास्ट में ज़्यादा सोचते हैं, आज पे ध्यान ना देके आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते हैं। ये आपका तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट, आप क्या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपकी हमेशा सोच फ्यूचर के लिए ही रहती है। और क्या आप आज के बारे में सोचते हैं, क्या आप आज को एंजॉय कर रहे हैं कि आज आपने क्या किया, क्या आपने अपना टाइम टेबल देखा, या आपने किसके साथ आज क्या आपको अच्छी अचीवमेंट हुई। तो आपको ये टिक मार्क करते जाना है कि आप पास में ज़्यादा रहते हैं, फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं या प्रेजेंट में ज़्यादा रहते हैं। प्लस क्या आप अपने को दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि सामने वाला तो बहुत खुश है, अरे देखो सामने वाले के घर गाड़ी आ गई और हमारे घर तो कुछ भी नहीं है। तो आपके कंपेरिजन किसी के, चाहे कपड़ों को लेके, चाहे आपकी गाड़ी है, बंगला है, ऐसी चीज़ों को लेके, क्या आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि उनके पास तो देखो कितना है और हमारे पास नहीं है। आप कंपेयर करते हैं अपने आप को सारी तरफ। जो क्लटर की बात मैं पहले आपसे कर ही चुकी हूँ कि आपको लगता है और आपका घर हमेशा अव्यवस्थित रहता है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, आप कपड़े निकाल रहे हैं जो पहनने के लिए चाहिए वो आपको कपड़ा नहीं मिल रहा, किचन में काम करने के लिए गए तो आपको सामान नहीं मिल रहा, मतलब आपके घर में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है। आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, किसी ने सुबह आपको कुछ कह दिया, पता चला पूरे दिन सिर्फ उसी बात को लेके बैठे हुए हैं, तो क्या आपकी ओवरथिंकिंग करने की आदत है। आप पानी बहुत कम पीते हैं, पूरे दिन में आप पानी कितने ग्लास पीते हैं, असेस करें अपने आप को कि क्या आप कितने दिन में कितने बार पानी पीते हैं। क्या आप खाना खाते में टीवी देखते हैं, आप, आपके बच्चे, एक्स वाई जेड कोई भी, और एक असेस करें कि टीवी में जो आप सीरियल्स देखते हैं कौन से देखते हैं, मारधाड़ वाले, एजुकेशन वाले, रोने वाले, हंसने वाले,
यू हैव टू टिक मार्क टू असेस योर एनर्जी लेवल, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी सोच हमारे डे टू डे लाइफ के सारी एक्टिविटीज पे ही डिपेंड करती है, राइट? क्या सुबह उठते ही आपकी सबसे पहले जो सवेरा होता है आपका अखबार के साथ होता है, और अखबार पे न्यूज़ पे जाता है आपका एकदम हेडलाइन, इतने मर गए, इतना क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, या आपका शेयर मार्केट पे ध्यान जाता है ग्रोथ के ऊपर, कितना फायदा हुआ, आप कितना डरते हैं, कितना फियर फैक्टर है आपके जीवन में, कहीं आप जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आपको हमेशा ये डर बना हुआ है कहीं बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया, हो ना जाए, या कोई लेट हो गया थोड़ी देर, जो 5 बजे कह के गया है 5 बजे के बजाय 6 बज गए, तो आपके मन में गलत गलत विचार आने शुरू हो गए कि आपके साथ ऐसा है, आपके मन में बहुत रोष और कहना चाहिए गुस्सा घृणा किसी के प्रति वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है कि मैं तो इसको माफ कर ही नहीं सकता, इस तरह का आपका नेचर है क्या? और जो कुछ और चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप अपना सामान अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखते हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न कैसे हैं, आप सुबह कितने बजे सो के उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज को आप कितना टाइम देते हैं, मेडिटेशन को कितना टाइम देते हैं। तो ये कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप एक इसका चार्ट बनाएं एंड जस्ट टिक मार्क देम। अगर मैंने कुछ आपको रेफरेंस दिए हैं कि ये चीज़ें आप अपने जीवन में देखें, क्या आप अपने आप को जब भी शीशे के आगे खड़े होके होते हैं तो आप अपने को ये देख के बोलते हैं, अरे मैं यहाँ से बहुत मोटी हूँ, अरे मैं बहुत काली हूँ, अपनी सेल्फ प्रेज क्या आपने कभी की है, या कोई अपने आप को आप शाबाशी या अपने आप को कुछ क्रेडिट देते हैं, या आपके घर में बच्चे काम कर रहे हैं, आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं, या कोई भी मदर इन लॉ फादर लॉ, क्या आपने उनको कभी वाहवाही या उनको एडमायर किया है, उनकी प्रशंसा की है? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको लिख के आप टिक मार्क करें। बोला ना, अगर 50% तो बैलेंस है, 50-50 चीज़ें हैं, 50 से नीचे है तो एनर्जी लेवल आपका डाउन ही मिलेगा, चाहे आप और किसी से भी चेक करा लें, खुद कर लें, किसी से भी करा लें। और यदि आपके 20 में से 15, 16, 17 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपका और अच्छा है, और एक फील अच्छा है, और उसको कितनी अच्छी करने की आपकी क्षमता है वो और अच्छी हो सकती है। क्योंकि देखिए, जब जागे तभी सवेरा, ये बहुत ही एक सिंपल टॉपिक है और हर कोई इस चीज़ को जानता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं जानते, या मैं आपको कोई बहुत नई चीज़ बता रही हूँ, आपको नॉर्मल चीज़ ही बता रही हूँ कि हम कैसे पहचाने कि मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, मेरा फिजिकल लेवल कैसा है, मेरा मेंटल लेवल कैसा है, मेरा स्पिरिचुअल लेवल कैसा है। और रेकी, पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशंस, ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लेवल को बैलेंस करने के लिए ही है। इसलिए हमारे को अल्टरनेटिव थेरेपीज को ज़रूर सीखना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है। हम एज अ हीलर नेचुरल थेरेपीज को प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ें घर घर पहुँचे। जब कई बार ये डिस्कशन होता है तो कहते हैं कि अब क्या करूँ, मेरे को तो गुस्सा आ ही जाता है, बच्चे सुनते ही नहीं है मेरी बात। अब यदि आप में पेशेंस होगी तो गुस्सा क्यों आएगा? पेशेंस, धैर्य रखना सीखे, वो आएगा आपका मेडिटेशन, ध्यान, साधना या समझ, अंडरस्टैंडिंग करने से, कि बच्चों को भी समझें, बड़ों को भी समझें। तो ये चीज़ें हैं। अब आप अपने ऊर्जा लेवल को उठाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? रेगी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक जा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अपने स्लीपिंग पैटर्न को बदलें, अपने खाने में नेचुरल चीज़ों को ऐड ऑन करें, फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, अन्न कम से कम, फ्राइड कम से कम, ग्रीन वेजिटेबल जूसेस एंड सूप्स लें जिससे आपका एनर्जी लेवल उठे, म्यूज़िक सुने और अच्छा म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक ऐसा जो आपको खुशी देने वाला हो, एंटरटेनमेंट वाले आप चैनल्स देखें, एंटरटेनमेंट वाली। और अपने में रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत बहुत अच्छी एक आदत है। यदि आप रीडिंग हैबिट डालते हैं और अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आपका ऊर्जा लेवल डेफिनेटली ऊपर होगा,
अपने शरीर को मूवमेंट मिलाएं, एक जगह पूरे दिन एक जगह बैठे ना बैठे, चलते फिरते रहें। आपने देखा होगा कि हम सुबह अपना डेली रूटीन के काम करने के बाद हम जहां सोफे पे या पलंग पे बैठे तो बैठे ही रहते हैं, उसके बाद हम उठते हैं या तो खाना देने के लिए या कोई आया उसके लिए उठेंगे। तो अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेके आएँ, फ्रेश एयर में ज़रूर जाके ब्रीथ करें। फ्रेश एयर में अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा के बिफोर सनराइज के आसपास पॉजिटिव एनर्जी लें डीप ब्रीदिंग करते हुए, और अपने घर को हमेशा डीक्लटर करते रहें। जितनी भी जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं उनको आप निकालें, उनको ये कि शायद कभी काम आएगी। रखी हुई चीज़ें जितना हम क्लटर अपने घर में रखते हैं उतना ही वो हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा एक पीसफुल माहौल अशांति में बन जाता है, शांति वाला माहौल अशांति में बन जाता है हो जाता है, एक खुशनुमा माहौल ऐसा हो जाता है कि सैडनेस में बदल जाता है। प्लस क्या आप सारे लोग डाइनिंग टेबल पे साथ इकट्ठा बैठ के खाते हैं या सारे टाइम फ़ोन पे ही लगे रहते हैं? पता चला कि घर में आने के बाद भी सब अपने अपने फ़ोन में ही घुसे रहते हैं और अपना एक इंटरेक्शन भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने एनर्जी लेवल को उठाने के लिए। प्लस अपने एनर्जी लेवल को उठाने के लिए हमारे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि कंफर्ट जोन देखिए हर कोई आराम पस्ती चाहता है, हर कोई यही चाहता है कि मैं गाड़ी में जहाँ से बैठूँ वह जहाँ उतरूँ उसके बाद फिर गाड़ी में बैठूँ और फिर घर पे उतर जाऊँ। तो आपकी फिजिकल वर्क तो हुई नहीं, और जितना हम खाते हैं उतना हमारा फिजिकल नहीं हुआ तो हमारे ऊपर मोटापा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अपने ऊर्जा लेवल बढ़ाने के हमारे पास बहुत तरीके हैं, और इस ऊर्जा लेवल को थोड़ा सा भी समझ के अगर आपने कुछ चीज़ें भी अपने में अपना ली तो आप देखेंगे कि आपका फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल दोनों तीनों ही अच्छे होंगे। आजकल आपने देखा है बच्चों के फिजिकल लेवल बहुत कम है, स्पोर्ट्स गेम्स में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी सिर्फ हायर स्टडीज़ के लिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो सारे टाइम लैपटॉप कंप्यूटर और ट्यूशंस और एक स्टडी टेबल पे ही बैठे रहते हैं, जिसके कारण उनका जो मोटापा है फैट है वो बहुत बढ़ रहा है। और इसीलिए आज की जनरेशन में देखा गया है कि हार्ट अटैक बहुत अर्ली स्टेज में भी देखे गए हैं, डिप्रेशन बहुत अर्ली स्टेज में देखे गए हैं। तो ये सिर्फ जानकारी एक अवेयरनेस के लिए ही आप सब तक पहुँचा रही हूँ, और जानते हम लोग सब हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो कोई उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर किसी दूसरे के बच्चे के किसी कारण से मार्क्स कम आए तो उसको समझा दिया जाता है, लेकिन जब अपने ही बच्चे के किसी कारण से एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम रह गए तो उस बच्चे को इतना डिग्रेड कर दिया जाता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम कहते हैं कि एक राय कह लीजिए, एक सजेशंस कह लीजिए कि पहले कुछ भी किसी को भी कहने से पहले सोचें समझें फिर बोलें, और अपनी डिक्शनरी में पॉजिटिव वर्ड्स की डिक्शनरी को बढ़ाएं, नेगेटिव की डिक्शनरी अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दें। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। यदि आप इन चीज़ों से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल के साथ प्यार जो हमको दे रहे हैं वो देते रहें, और हमारे लाइव सेशंस में भी जुड़ते रहें। कुछ ना कुछ आपसे ही रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनसे ही रिलेटेड आपके पास जो भी पहुंचता है, डे टू डे लाइफ की हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उन पे ही आप मेरे टॉपिक्स होते हैं लाइव सेशंस में भी। थैंक यू।